हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि बिना किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाए आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपने बैंक अकाउंट को अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो वो आप आसानी से अपने मोबाइल फोन का यूज करके उसको पैसे भेज सकते हैं। अगर आपने अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना है, डिश टीवी रिचार्ज करना है, किसी का बिल भुगतान करना है, तो वो सारा का सारा आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। यहाँ पर आपको शोमोर का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला लिंक मिलेगा। आप वहाँ पर से क्लिक करके इस पेज में आ जाइए। इस पेज में मैंने सब कुछ बता रखा है कि कैसे आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर से देखिए, अगर आप इस पेज में वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसी पेज में रहना है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्टेप बताए हैं, जैसे स्टेप वन, स्टेप टू, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप यहाँ पर से इस पोस्ट में आ सकते हैं और यहाँ पर इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर से आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर से आपने स्टेट बैंक की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टेट बैंक फ्रीडम, आप यहाँ पर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो दूसरा लिंक होगा यहाँ पर से, इसका डाउनलोड लिंक होगा, तो आप यहाँ पर से क्लिक करके इसको अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर से इसको अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लेते हैं स्टेट बैंक के फ्रीडम को, तो आपको क्या करना होगा, इसको लॉन्च करना होगा। तो मैं यहाँ पर से इसको लॉन्च कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च करा तो यहाँ पर ये देखिए, आपसे ये बोल रहा है अपने मोबाइल बैंकिंग का यूजर आईडी डालने के लिए और यहाँ पर से आपसे ये एम पिन डालने के लिए बोल रहा है। तो क्योंकि हम इसमें पहली बार इसमें हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिटेल्स नहीं है, हम क्या करेंगे, इस डिटेल को गेट करेंगे। और गेट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आता है रजिस्टर का, और अगर आप यहाँ पर से रजिस्टर नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पर पोस्ट में बता रखा है। आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फोन से एक SMS भेजना होगा। SMS क्या भेजना होगा, ये यहाँ पर देखिए MBSREG मतलब मोबाइल बैंकिंग सर्विस रजिस्ट्रेशन, आपको फिर वो मैसेज भेजना होगा 9223440000 पे भेजना होगा। उससे क्या होगा, आपका जो यूजर आईडी है और आपका जो पिन है वो यहाँ पर से आपके उसमें SMS के रूप में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से देखिए मुझे यहाँ पर से क्या करना है, रजिस्टर में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर से रजिस्टर में क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर से SMS जो सर्विस है उसको यहाँ पर से नहीं भेज रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने रजिस्टर में क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, ऑप्टेन यूजर आईडी। अगर आपने SMS के थ्रू अपना यूजर आईडी और अपना एम पिन जो है वो मंगा लिया है तो आपको यहाँ पर से इसमें क्लिक करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से ऑप्टेन यूजर आईडी में क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर से इसमें क्लिक करूंगा तो जो भी मोबाइल नंबर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर है उसमें क्या होगा, आपका यूजर आईडी और आपका एम पिन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर से इसको ओके करता हूँ और जो भी नंबर मेरे उसमें रजिस्टर होगा, ये देखिए यहाँ पर से इसमें मेरे पास एक मैसेज आ गया, मैं आपको ये मैसेज खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास आ गया यूजर आईडी, ये है, और यहाँ पर से देखिए इसका जो एम पिन है वो यहाँ पर से ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, वो वहाँ पर फिल करना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेट बैंक की फ्रीडम एप्लीकेशन में दोबारा से जाते हैं और ये जो डिटेल है हम यहाँ पर भर देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए जो भी यूजर आईडी आई है हम क्या करते हैं उसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर से अपनी यूजर आईडी डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी यूजर आईडी डाल दी है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक्सेप्ट में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से एक्सेप्ट में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर से देखिए, जैसे मैंने एक्सेप्ट में क्लिक करा तो यहाँ पर ये मेरे से बोल रहा है ओल्ड एम पिन डालने के लिए जो मेरे पास SMS में आया है। और उसके बाद यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, नया पिन जो है वो जनरेट करना होगा। 6 करेक्टर का आपका पिन होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से जो मेरा पुराना पिन है उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर हम नया पिन जो है वो उसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अपना ओल्ड पिन डाल दिया है, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, नया पिन यहाँ पर एंटर करना होगा। और ध्यान रखिए, जो भी नया पिन आप यहाँ पर डालेंगे उसको आप याद रखिए, क्योंकि आपको बाद में लॉगिन करने के काम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से नया पिन जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ, और जो आप यहाँ पर से पिन डालेंगे उसको अल्फा न्यूमेरिक करिए, मतलब उसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर का मिक्सचर जो है उसको आप यहाँ पर बनाकर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से अपना जो नया पिन है उसको डाल देता हूँ। यहाँ पर से देखिए मैंने नया पिन डाल दिया है और उसको कन्फर्म भी कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से चेंज में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से चेंज में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए जो मेरा एम पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और यहाँ पर से मेरे पास एक मैसेज आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस मैसेज को पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर से इस मैसेज को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, अब हमारा जो आधा एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए मैसेज आ गया है,
चेंज एम पिन एंड वैलिडेशन फ्रॉम हैंडसेट सक्सेसफुल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एट एटीएम। अब आपको क्या करना होगा, या फिर एटीएम में जाके, एटीएम जो मशीन है उसमें जाके आपको यहाँ पर से आधा प्रोसेस हुआ कंप्लीट करना होगा, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर अगर आप ब्रांच में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, टीआईडी जो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है या आप यहाँ पर से ब्रांच में जाकर उनको अगर देंगे तो आपके उसमें मोबाइल बैंकिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो एटीएम का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप एटीएम में जाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेप टू में मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर से ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आप अपना टीआईडी दे दीजिए उनको और वहाँ पर से वो इमीडिएटली आपके उसमें मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पर से देखिए, अगर आप एटीएम का यूज़ करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एटीएम मशीन में जाना होगा। और एटीएम मशीन में आजकल बहुत सारी भीड़ हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए जब भी एटीएम में कैश ना हो, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में कैश अवेलेबल ना हो, एटीएम जो है वो खाली हो, उस समय आप जाइए, या फिर आप रात के टाइम पर जाइए जब वहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है। तो उसके बाद जैसे आप एटीएम मशीन में जाएंगे, आप अपने कार्ड को उसमें स्वैप कीजिए, और जैसे आप अपना कार्ड डाल के निकालते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन का। जैसे आप मोबाइल रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है मोबाइल बैंकिंग का। तो आप यहाँ पर से मोबाइल बैंकिंग के अंदर जैसे ही जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन का। तो जैसे आप यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपसे बोलेगा कि अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एंटर करने के लिए। तो जैसे आप मोबाइल नंबर अपना एंटर करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यस में यस वाले को टैप करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर से यस को टैप करते हैं, उसके बाद आपको आपका ही मोबाइल नंबर दिखेगा और आपसे कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर से उसको कंफर्म कर लीजिए। और ये जो स्टेप हैं, आप यहाँ पर से इसको लिख के लेके जाइए, या फिर आप यहाँ पर से इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, या फिर इसकी फोटो खींच लीजिए, ताकि जब भी आप एटीएम मशीन में जाएंगे वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे आप यहाँ पर से कंफर्म में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा एक्टिवेशन का, और आपके उसमें मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगी। और जो तीसरा प्रोसेस है जिससे आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, वो है आपका इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट जो है उससे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उससे अपने उसमें मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो मैं यहाँ पर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से लॉगिन में क्लिक करता हूँ। अगर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, मैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हूँ। जैसे मैं यहाँ पर से लॉगिन हो जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है ई सर्विसेज का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से ई सर्विसेज में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से ई सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलता है स्टेट बैंक फ्रीडम। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से स्टेट बैंक फ्रीडम में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से स्टेट बैंक फ्रीडम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपसे ये अपना अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पर से अपना अकाउंट जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर से अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर से आपसे ये सबमिट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर से इसको सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पर से देखिए, जैसे मैंने सबमिट करा तो यहाँ पर ये मेरे से दो चीज़ें मांग रहा है। एक मांग रहा है मोबाइल बैंकिंग यूज़र आईडी, जो हमारे पास एसएमएस के रूप में आई थी वो यहाँ पर आपने एंटर करनी होगी, और दूसरा यहाँ पर से अपना मोबाइल नंबर आपने एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर से दोनों डिटेल जो है उसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर से देखिए, मैंने दोनों डिटेल इसमें डाल दी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये मेरे से प्रोफाइल पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पर से मुझे क्या करना होगा, प्रोफाइल पासवर्ड अपना डालना होगा। तो मैं यहाँ पर से प्रोफाइल पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर से अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, जैसे हमने सबमिट में क्लिक करा तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर से देखिए, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से ओके में क्लिक करा, यहाँ पर ये मेरे से एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से एक्टिवेट में क्लिक करना होगा। यहाँ पर से देखिए, जैसे मैंने एक्टिवेट में क्लिक करा, यहाँ पर से मेरे उसमें ये GPRS एक्टिवेशन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक मैसेज भी आ चुका है। ये मैसेज भी मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर से देखिए, GPRS एक्टिवेट करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, ये मैसेज लिख के भेजना होगा 9223440000 में। और मैसेज में क्या लिखना होगा, MBSGAC, और उसके बाद यहाँ पर ये की दी हुई है, इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखना होगा। और ये मुझे जो भेजना है ये 30 मिनट के अंदर अंदर भेजना है, तभी मेरे उसमें GPRS जो है वो एक्टिवेट होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज को भेज देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मैसेज जो है उसको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज को भेज देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस मैसेज को भेजा तो यहाँ पर से देखिए, मेरे पास एक और मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर से देखिए, ये मेरे से बोल रहा है कि जो GPRS है वो इनेबल हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, स्टेट बैंक का फ्रीडम जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए, अब हम अपने यूज़र आईडी और एम पिन जो हमने चेंज करा था उससे इसमें लॉगिन करते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसमें यूज़र आईडी और एम पिन डालता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से लॉगिन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से देखिए, मैंने अपने यूज़र आईडी और यहाँ पर से मैंने अपना एम पिन डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लॉगिन में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, जैसे मैंने लॉगिन में क्लिक करा, हम यहाँ पर से अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्रीडम एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे उसमें मोबाइल बैंकिंग जो है एक्टिवेट हो चुकी है, और यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है।
और यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट को आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही मैनेज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं, अपना किसी बिल का पेमेंट करना हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।